अल्लाही वबरकातुहु, मौला सलामत रखें गरीब नवाज अपने तमाम चाहने वालों को अपनी हिफाजत में रखें। आज फजर के वक्त जब हमने सुना कि वो जो शख्स हज के लिए पैदल जा रहे हैं वो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी के लिए आए हैं, तो जैसे ही दरबार खुला और वो आए तो हम भी बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ उनकी तरफ बढ़े कि हम उनके लिए दुआ करें कि मौला उनका सफ़र आसान फरमाए। तो जैसे ही हम उनके करीब गए और उनके सर पे हाथ रखा दुआ करते हुए तो उन्होंने हमारे हाथ को झिड़क दिया, तो इससे हमें भी बड़ी तकलीफ हुई। हालांकि जो कुछ भी फिर हुआ वो हम भी कभी नहीं चाहते हैं, गरीब नवाज के किसी भी आशिक के साथ हम कभी इस तरीके से पेश नहीं आते हैं और ना ही जिंदगी में गरीब नवाज का कोई आशिक हमारे साथ इस तरीके से पेश आया। तो जो कुछ भी हुआ उसमें हम भी शौक हो गए। जो अफसोस हमारे दिल में है वो बेशक गरीब नवाज जानते हैं, क्योंकि गरीब नवाज दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बड़ा अफसोस है और हम माजरत ख्वाह हैं इसके लिए, क्योंकि गरीब नवाज के वो मेहमान हैं और हम बिल्कुल उनके लिए आज भी दुआ करते हैं कि मौला गरीब नवाज नजर करम फरमाए और उनके सफर को आसान फरमाए। क्योंकि मौला कायनात का भी कौल है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको तस्लीम कर लेने से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है। बेशक मौला लाज रखने वाले हैं और दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। हमारे दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी ना है, और हम आज भी और अभी भी उसके लिए दुआई करते हैं कि पंजतन पाक के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह पाक उसके सफ़र को आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।